वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस में किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। चलिए ठीक है, पास्ट कंटिन्यू, ये हम लोग का 6 नंबर टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये हम लोग का 6 नंबर का टेंस है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सिंपल पास्ट टेंस। इसका पहचान क्या देख लेते हैं। इसका पहचान हम लोग का है, जिससे हम लोग पहचानेंगे कौन सा पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये हम लोग का पहचान है, जिससे हम लोग पहचानेंगे जो ये सेंटेंस ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब क्या, पास्ट में वो काम चल रहा था। जैसे मेरी माँ अचार बना रही थी, पास्ट में अभी नहीं, हम लोग होमवर्क बना रहे थे, पास्ट में अभी नहीं, तो पास्ट में जो काम चल रहा था, जो कंटिन्यूअस था, उसे हम लोग कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है या फार्मूला, दोनों बोल सकते हैं। इसका फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, इसका फार्मूला क्या। ठीक है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जो कि आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा हम लोग का वाज या वर, वर पढ़ेंगे इसे, वर वधु वाला वर, ठीक है ना, वाज वर। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। बिल्कुल क्लियर है, मतलब जो प्रीपोजिशन आएगा। तो हम लोग देख लिए वाज वर कहाँ कहाँ लगेगा, ही सी इट या कोई नाम आएगा तब हम लोग वाज का इस्तेमाल करेंगे, और आई के साथ भी वाज लगेगा। क्लियर है। दे वी यू अगर आएगा तब हम लोग वर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एग्जांपल, रवि चाय बना रहा था, रवि चाय बना रहा था। ठीक है, अच्छा वी फोर कैसे बनाते पता। चलिए फिर भी देख लेते हैं एक बार। वी फोर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी वन प्लस आई एन जी, वी वन प्लस आई एन जी लगा देंगे तो हम लोग का वी फोर बन जाए। जैसे गो, गो में आई एन जी लगा देंगे तो वी फोर बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कुछ ट्रिक्स है, कुछ चीज़ है, अगर कोई भी वर्ड के लास्ट में ई आएगा तो ई रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मैक हम लोग का एक क्या है, वर्ब है, तो मैक में लास्ट में ई आ रहा तो रिमूव हो जाएगा, हम लोग मैकिंग हो जाए। ठीक है, और कोई भी वर्ब के पहले अगर एक ठो वावेल आता है, वर्ब जो है लास्ट लास्ट में जो आता है, उस वर्ड के पहले अगर कोई एक वावेल आ जाता है तब हम लोग उसका जो लास्ट वाला लेटर होता है डबल होता है। जैसे कि कट, कट का मतलब होता है कटना। देखिए कट में क्या है ना, ये टी के पहले एक ठो वावेल है, इसलिए लास्ट वाला जो टी है वो डबल हो जाएगा, कट का कटिंग, डबल टी आ जाएगा, कटिंग। बिल्कुल क्लियर है। हिट, एच आई टी, हिट, हिट में भी हिटिंग होगा, यानी डबल टी होगा, एच आई डबल टी आई एन जी, हिटिंग। क्लियर है। दूसरा, जैसे कि बिगिन, बिगिन मतलब होता है बिगिन, हाँ बिगिन मतलब शुरू करना, तो जब हम लोग बिगिनिंग करेंगे तो क्या होगा, जो बिगिनिंग है उसमें भी क्या होगा हम लोग का ना, उसका पहला वाला देखिए यहाँ पर है, तो बिगिनिंग हो जाएगा, तो बी ई जी आई एन एन आई एन जी, बिगिनिंग। बिल्कुल क्लियर है, बिगिनिंग। तो हम लोग इस तरह से वी फोर बनाते हैं। क्लियर है, यस। हम लोग का एग्जाम्पल क्या है, रवि चाय बना रहा था, ये हम लोग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो रवि के बारे में बात करें तो रवि सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, और ये जो बना रहा था वर्ब, और क्या बना रहा था चाहिए, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो हम लोग को तीनों चीज़ मिल रहा है तो रबी लिखेंगे, रबी। ठीक है, रबी के साथ वाज लगेगा। ठीक है, रबी वाज चाय बनाना, यानी मैक लगाएंगे, प्रिपे दोनों लगा सकते हैं, रबी वाज मैक का मैकिंग हो जाएगा, सॉरी मैक का मैकिंग। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया, रबी वाज मैकिंग टी, रबी चाय बना रहा था, रबी वाज मैकिंग टी। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, वे लोग मछली पकड़ रहे थे, पास्ट में भी नहीं। क्लियर है। वे लोग मछली पकड़ रहे थे, वे लोग का क्या होता है, दे के साथ क्या लगे, ज़्यादा है तो वर लगेगा, दे वर, कैच का कैचिंग, पकड़ना का कैच होता है उसका वी फोर हो जाए, कैचिंग। ठीक है, तो दे वर कैचिंग फिश, ये अपने आप में प्लूरल होता है, दे वर कैचिंग फिश। क्लियर है। मेरी माँ
खाना पका रही थी पास्ट में, मेरी माँ खाना पका रही थी। क्लियर है? कोई पूछे तुम्हारी मम्मी क्या कर रही थी, खाना पका रही थी, तो मेरी माँ खाना पका रही थी पास्ट में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, माई मदर, माई मदर वाज, माई मदर वाज कुकिंग फूड। क्लियर है? पकाना तो कुक होगा क्योंकि ये वाला पकाना, तो माई मदर वॉज कुकिंग फूड। तो हम लोग तीन एग्जाम्पल देख लिए, तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव बना सकते। राधिका नाच रही थी, राधिका वॉज डांसिंग। वे लोग चाय पी रहे थे, दे वर टैकिंग टी। दादाजी टीवी देख रहा था, ग्रैंड फादर वॉज वॉचिंग टीवी। क्लियर है? पॉजिटिव। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है? पॉजिटिव आ गया, बना सकते हैं अभी पॉजिटिव। राहुल बाजार जा रहा था, तो क्या होगा, राहुल वाज गोइंग टू मार्केट। अभी हम लोग देखते हैं कि उसका नेगेटिव क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे, चलिए डिटेल में देखते हैं, ताकि इस टेंस में कभी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है? तो जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे वाज का वर का, तो वाज का हो जाएगा वाजंट और वर का हो जाएगा वरंट। वाज का जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वाजंट। अभी शॉर्ट हो गया, वाज नॉट लगाने की जरूरत नहीं, वाजंट। और वर का हो जाएगा वरंट, वर का वरंट। ये क्लियर है? ये हम लोग का नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है? ये वाजंट वारंट। क्लियर है? ठीक है। सेंटेंस क्या था, रवि चाय बना रहा था, ये हम लोग का पॉजिटिव सेंटेंस था, तो उसका हम लोग का इंग्लिश क्या बन जाएगा, ऑलरेडी बना लेते फिर से एक बार, रवि वाज मेकिंग टी, रवि चाय बना रहा था। क्लियर है? ये हम लोग का प्रिपरिंग भी लगा सकते हैं, दोनों राइट है। तो रवि वाज मेकिंग टी, ये हम लोग का पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे, दूसरा वाला रवि चाय नहीं बना रहा था, तो हो जाएगा रवि wasn't making tea, wasn't making tea, रवि चाय नहीं बना रहा था। क्लियर है? जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो was बाहर आ जाएगा, क्या रवि चाय बना रहा था, तो क्या बन जाएगा, was रवि making tea, क्या रवि चाय नहीं बना, सॉरी, क्या रवि चाय बना रहा था। क्लियर है? चौथा नेगेटिव सवाल, क्या रवि चाय नहीं बना रहा, तो क्या हो जाएगा, wasn't रवि मेकिंग टी, क्या रवि चाय नहीं बना रहा था। यस, तो हम लोग चारों से गए इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव हम लोग का क्या बना, रवि वाज मेकिंग टी, रवि चाय बना रहा था, रवि चाय नहीं बना रहा था, रवि वाजंट मेकिंग टी, क्या रवि चाय बना रहा था, वाज रवि मेकिंग टी, क्या रवि चाय नहीं बना रहा था, वाजंट रवि मेकिंग टी। देख लिया हम लोग को चारों पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन। दूसरा एक हम लोग वर में देखते हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? वर वाला एक, ठीक है ना, दे वर कैचिंग फिश, वे लोग मछली पकड़ रहे थे, इसी के चारों देखते हैं, ठीक। दे वर पढ़ेंगे, इसे वेयर नहीं पढ़ेंगे ना, वर वध वाला, दे वर कैचिंग फिश, वे लोग मछली पकड़ रहे थे। क्लियर है? ठीक। जब हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, वरंट, तो हो जाएगा दे वरंट कैचिंग फिश, वरंट कैचिंग फिश, वे लोग मछली नहीं पकड़ रहे थे। सवाल बना, क्या वो लोग मछली पकड़ रहे थे, वर दे कैचिंग फिश, क्या वे लोग मछली नहीं पकड़ रहे थे, वरंट दे कैचिंग फिश, क्या वो लोग मछली नहीं पकड़ रहे थे। बिल्कुल क्लियर है? वर को भी देख लिए हम लोग,
इस तरह से आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग टोटल 6 टेंस कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हम लोग पढ़े सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पढ़े हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पढ़े प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद पढ़े प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पढ़े हम लोग सिंपल पास्ट टेंस, और उसके बाद आज हम लोग पढ़े पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हम लोग 6 टेंस कंप्लीट हो गया। बस इसी तरह से आप घर में बस प्रैक्टिस करते रहे और बिल्कुल चिंता का कोई विषय नहीं। देखो इंग्लिश के साथ ही कुछ भी नहीं है, बस एक लैंग्वेज है, इसके साथ खेलना। बस एक बार इंग्लिश का जो थॉट प्रोसेस हो जाए ना, फिर तो फ्राटेदार अंग्रेजी बोलने से कौन रोक रहा। बस आप लोग का जो थॉट प्रोसेस हो आ जाएगा ना, सोचने का जो नज़रिया है वो इंग्लिश में हो गया, तो इंग्लिश फ्राटेदार हो गया। तो वो चीज़ हम लोग सीख रहे जो कि इंग्लिश का जड़ है, हम लोग का टेंस चल रहा है। इसे बस आप लोग प्रैक्टिस कर लो, 10,000 घंटा दे दीजिए, 10,000 घंटा या 10,000 बार, फिर आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए हम लोग को इंग्लिश में चार चीज़ ही तो सीखना है, लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना। ये चार चीज़ आ गए तो हम लोग तो यार महारत हासिल करें इंग्लिश में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इंग्लिश में जो थॉट प्रोसेस है, और आपने इंग्लिश इम्प्रूव कर लिया तो फिर तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। हम लोग का बस वीडियोस लगातार देखते रहिए, और अभी तक अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, इससे हम लोग जो भी नया वीडियोज़ बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। सो कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोज़ एट होम रेगुलरली विदाउट एनी कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच।